अवसरों का। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पुल निर्माण समेत अन्य मांगों को लेकर चौथे दिन भी धरना जारी, मशाल जुलूस निकाल कार्यपालक अभियंता का फूका पुतला। घनेकोहरे में ट्रक आई 13 ट्रकें, हादसे में हाईवे पर लगा भयंकर जाम। कर्नल के मकान में हुई चोरी, बदमाश 10 लाख का सामान लेकर हुए फरार। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, तेल टैंकर से किया भारी मात्रा में शराब बरामद। ट्रैक्टर टाली से दबकर 10 साल के लड़के की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर पटना से है, जहां बीजेपी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष के सदस्यों पर अभद्र भाषा के उपयोग करने का आरोप लगाते हुए सदन से बायकॉट किया। कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से आपा खो रहे हैं, यह विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार माफी मांगे तभी सदन चलने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को तो पहले आसन से बार बार आग्रह करने के बाद भी माइक स्टार्ट नहीं किया गया। जब माइक अध्यक्ष के आदेश से प्रारंभ हुआ और जब हम अपनी बात रखे तो उसको प्रोसीडिंग से निकालने का आदेश दे दिया गया। आज सदन के अंदर बिहार में हो रहे शराब से मौत और अपराधियों का बढ़ता मनोबल, हत्या अपहरण लूट बलात्कार चरम पर पहुंचा है। कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है। जब इस मुद्दे पर हमारे माननीय विधायक बेल में आए तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से धमकी भरा हुआ लहजा कि बर्बाद कर देंगे, और नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय सम्मानित विधायकों को जिस तरह से एकार के साथ वो धमकी दिए, पहले वो माफी मांगे तब सदन चलेगा। खबर बेतिया से है, जहां राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के क्रम में सदस्यों द्वारा अस्पताल के सभी विभागों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं के बाबत अस्पताल उपाध्यक्ष से जानकारी लिया। इस दौरान जांच के समय एसएमओ और डीपीएम सलीम जावेद के साथ अस्पताल प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर एसपी अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। उद्देश्य आप सभी अवगत है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के सभी सरकारी संस्थानों को पूरी तरह से सुदृढ़ कर देना है और क्वालिटी बेस्ड सर्विस जो है अपने मरीज को उपलब्ध कराना है। खबर बेतिया से है, जहां प्रदूषित हवा में लोग सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहीं इसके रोकथाम के लिए प्रशासन भी कोई एक्शन लेते नहीं दिख रहा है। बता दें, बेतिया से लेकर नरकटियागंज तक प्रदूषण की मार आम जनता झेल रही है और खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। बता दें, प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह विफल है और जिला प्रशासन को प्रदूषण से रोकने के लेकर बड़े कदम उठाने की जरूरत है। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो लगता नहीं है कि हम लोग सुबह का टहल रहे हैं और आँख में लालीपन
धुआं और गर्दा माटी के चलते आ जा रही है और आँख में लालीपन आ जाता है और उसके चलते हम लोग मॉर्निंग वॉकिंग करने के बाद भी स्वस्थ महसूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ चीनी मिल है और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, जैसे आपको ईंट फैक्ट्री है, जिसके चलते यहाँ प्रदूषण ज़्यादा फैल रही है और सरकार और प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर कि प्रदूषण को नियंत्रण किया जाए, नहीं तो हम लोग भी दिल्लीवासी की तरह यहाँ चंपारण में ग्रसित हो जाएंगे इससे। और ईश्वर और नीतीश कुमार तेजस्वी जी आज आने वाले हैं चंपारण में, तो इसका एहसास महसूस करेंगे कि हाँ यहाँ प्रदूषण कैसे फैल रही है, इसको नियंत्रण किया जाए। हमारी आग्रह है सरकार से कि इस पर जहाँ तक हो सफाई का नगर परिषद को भी ध्यान दिया जाए कि यहाँ सड़क गली मोहल्ले और यहाँ मच्छर का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में सोमवार की रात ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आकर एक 10 वर्षीय लड़की की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्यवाही में जुट गई। रामनगर थाना के मठिया गाँव है, मठिया गाँव में रंजीत कुमार उम्र 10 वर्ष है, गांव के ही मनोज शर्मा के शादी के मटकोर देखकर आ रहे थे। जब पंचायत भवन के नज़दीक आए तो मुन्ना चौधरी जो ट्रैक्टर के चालक है वो ट्रैक्टर चलाते हुए आए और रंजीत कुमार जो रोड पर खड़ा था उसको धक्का मार दिया, जिसे घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण में एक मुखिया की दबंगई। सामियाई मुखिया ने एक परिवार को जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे और जमीन न देकर परिवार को 10 लाख रुपए का चेक दिया, जो बैंक से रुपए निकालने पर चेक बाउंस कर गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार रुपए की मांग करता रहा और रुपए नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार ने न्यायालय का सहारा लिया। नहीं दिए तो ड्यूट समय जो NI एक्ट का जो समय होता है उसके अनुसार परिवार दायर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ किया था दिनांक 12/9/22 को, और उसके बाद भी इस केस में ट्रायल नंबर 1776/22 पड़ा, जिसके अगेंस्ट में मुखिया जी ने उस मुद्दई को पकड़ कर पूरा प्रताड़ित किया, मारपीट किया। उस दिनांक को तो हमको याद नहीं है, उसके अगेंस्ट में हमने उस आवेदिका से दिनांक 4/12/22 को आवेदन दिलवाया है और मुख्य सचिव से लेकर प्रधानमंत्री तक गृह सचिव जितने अपने पुलिस पदाधिकारी हैं SP DSP साहब सबको दिलवाए हैं और स्थानीय थाना को भी दिए हैं, लेकिन आज तक आपके फतेहपुर टोला में एक महिला के साथ मारपीट हुआ और चेक बाउंस का मामला है, क्या मामला है? मामला जो है वो लेडीज के साथ है, एक चेक का मामला है जो मुखिया जी द्वारा दिया गया है, ये सूचना हमको मिला है और उस चेक पे वो महिला जो केस की हुई है। केस करने के बाद मुखिया जी के पास शायद नोटिस आया, नोटिस आने के बाद मुखिया जी उस औरत के साथ मारपीट किए और मारपीट करने के बाद में वो औरत जो है केस की हुई है फिर दोबारा। आपको जानकारी हुआ कि मारपीट के लिए, उसके लिए आपने क्या किया? मारपीट का सूचना वो औरत के द्वारा हमको दिया गया, हमने स्थानीय प्रशासन को फोन किया कि जाइए अपने स्तर से देख। ना जमीन मिलल ना पैसा मिलल हमरा, दौड़ते दौड़ते तले मुखिया के इलेक्शन आ गल, पर पंचायती भल तो उन्हें हमरा के चेक दिलन, चेक दिला के बाद में दौड़ते दौड़ते हार गईनी, तब जाके फिर हम बैंक में अपना लगैनी, बैंक से अथी क के तब जाके हम कोर्ट में केस कैनी। कोर्ट में केस कैला के बाद में हमरा के आके घर पर कम से कम 20-25 आदमी के लेके आके मेरा बच्चा को मेरा आदमी के सब के धर पकड़ के मार के गाड़ी में बैठा कर ले गए घरे। घरे ले गैला के बाद में सादा पेपर पर कागज बनैलक हमरा मुखिया जी अशरफ अली। मुखिया जी पहले क्या करते थे? पहले जमीन के किना बेची करत रहला हूँ, ब्रोकरी करत रहला हूँ। मुखिया जीतने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं? अभी
अथी जीत गए तो ये सब अब पैसा वैसा के हमारा लफड़ा है। अब कौनो पर पंचायती सही से ढंग से नहीं करता है, सब उल्टा सीधा बोलता है या उल्टा सीधा गाड़ी उड़ी देता है लोग सब के सब कर दिया। चलो सब जीत गया तो पैसा दे देगा लोग, तो पैसे के लिए दौड़ते 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 हार गए। तो क्या हुआ से पैसा कर रहे, जब लास्ट में कह रहा दे रहा बीच में बोला था से तुम चेक लिया कर दे, तुमको पैसा 10 लाख रुपये दे देता हूँ। वो वैसे तृतीया पर फंसा रहा है, हम चेक नहीं दिए। वो कह रहा बाद में बोले से भाई हमको पैसा दे, तो कह रहे तुम्हारा कैसा पैसा। तो बैठ के मीटिंग नहीं कर पाए, वो 15-20 आदमी के लेके मेरे घर पे आए, आगे एक हमला कर दिए, मारा पीटा उनको सब आदमी, हमको मारा पीटा गाड़ी में कस के ले गए। मुखिया जी बनने के पहले जमीन के कारोबारी करते थे कि बाद में? पहले करते थे। पहले करते, अब क्या करते हैं? अब मुखिया करते हैं। कितने लोगों के ऐसे अथी लगाए हुए हैं मुखिया जी? 6 आदमी के। सभी लोग केस किया हुआ है? हाँ। जब चेक दिए, चेक तो आप बैंक में लेकर गए, बैंक में क्या हुआ? बैंक से तो पैसा निकल गया होगा? नहीं, पैसा बैंक में नहीं था। खबर मधुबनी से है, जहां राजनगर थाना क्षेत्र पटवारा गांव के रहने वाले पूर्व मेजर जगदीश सिंह की रेल में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें सैनिक जगदीश सिंह और उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें कई बार सेना नायक के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था। बता दें शव के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें पैतृक गाँव राजनगर पटवारा लाया गया। उन्होंने अपना जो है समय दिया या देश को सेवा करने का उनको मौका मिला, जिसके लिए वो बहुत ही गर्वान्वित थे। उसके बाद इन्होंने भारत दूरसंचार निगम में लगभग 15 साल नौकरी करी और 2005 के उपरांत ये रिटायर हो गए। उसके बाद जो है अभी इनका हादसा कैसे हुआ? हाँ, दिल्ली में एक शादी में गए थे हमारे रिलेटिव में, आते समय ट्रेन से में चढ़ते वक्त जो है बहुत दुखद दुर्घटना हुई और काफ़ी कोशिश करने के बाद अस्पताल तक पहुंचाने के बाद भी जो है ट्रेन में चढ़ते समय पैर जो है सो स्लिप कर गया और रेलवे स्टेशन पर गिर गए। उसी दौरान सीरियस हो गए, अपोलो हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनका प्राण छूट गया। और वो 71 के लड़ाई में जो है सो भागीदारी किए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई में, उनको जो है सो बहुत तरह का मेडल भी मिला था। और एक कर्मठ और सच्चे सिपाही थे, समाज के लिए भी अच्छे थे और जो है व्यक्तिगत भी अच्छे थे वो। और हम लोगों को खास करके पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष थे, किसी भी तरह की परिसपास के क्षेत्र को झाड़ू लेके 4-4 घंटा तक सड़क हो या गली कुची हो उसकी सफाई में निरंतर लगे रहते थे। उनसे न समाज में किसी को शिकायत थी और न उनका शिकायत समाज से था, ऐसे व्यक्तित्व के वो धनी थे। उनके हादसा को लेकर, रेल हादसा को लेकर आप क्या कहते हैं? तो असामयिक घटना है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर रोहतास से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अनपरा थाना क्षेत्र से 20 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि गिरफ्तार कुख्यात नक्सली शेख अख्तर की गिरफ्तारी से रोहतास जिले में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने में रोहतास पुलिस को काफी सहायता मिलेगी और पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। रोहतास जिला को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में रोहतास पुलिस के द्वारा सोनभद्र पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए आसूचना का आदान प्रदान करते हुए सोनभद्र के अनपारा से सोनभद्र पुलिस के सहयोग से एक कुख्यात नक्सली जिसका नाम मोहम्मद शेख अख्तर है, जो कि नौडीहा का रहने वाला है तथा नौहट्टा थाना, जो कि नौहट्टा थाना क्षेत्र में है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत हमारे साथ जुड़ेंगे। मंजीत, रोहतास जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी, कुख्यात जो नक्सली था वो 20 वर्षों से फरार चल रहा था, शेख नाम है इसका, और ये 20 सालों से फरार चल रहा था और उत्तर प्रदेश के अनपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत से यह रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार की है। रोहतास पुलिस के जो कप्तान हैं आशीष भारती, उन्होंने विशेष टीम की गठित किए थे, जो नौहट्टा थाना क्षेत्र के भी कुछ उसमें पुलिस कर्मी थे, जो उत्तर प्रदेश में ही जाकर अनपरा में जो थाना क्षेत्र है वहां जाकर कुख्यात अंश जो शेख है उसको गिरफ्तार किए हैं। ये 50,000 का इनामी नक्सल अपराधी था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत। खबर नालंदा से है, जहां राजगीर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश उद्यान के समीप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप तेल टैंक लोरी को जब्त करते हुए उसके साथ खाने से 61 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू की। खबर नालंदा से है, जहां कर्नल के मकान को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर 10 लाख का कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जिसके बाद बंद पड़े मकान में चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटकर हर बिंदुओं पर बारीकी से जांच में जुट गई है। रात में जो है चोरों को द्वारा जो है छत पर से जो है उतर करके और हमारा जो है ये हमारा भंगना कर्नल रवि रंजन का मकान है, जो अभी जो है कर्म टूर में पोस्टेड है, और बड़ा भगना छोटा भगना है कर्नल रवि रंजन, बड़ा भगना अभी बेंगलोर में है, माता पिता भी साथ में इधर ही गए हैं, 15-20 दिन पहले गए हैं यहाँ से उतर करके। यहाँ जितना भी अंदर में था ताला लगा हुआ था सारे ताला तोड़ करके और कीमती सामान जितना भी है चोरी कर लिया गया है। लगभग 10 लाख रुपया का मटेरियल जो है चोरी कर लिया गया है। खबर मधुबनी से है, जहां सुबह के समय घना कोहरा होने की वजह से 13 ट्रकें एक साथ टकरा गई, जिसमें कई ट्रक क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें इस हादसे में सुपौल से पटना जा रही एम्बुलेंस भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद हाईवे पर जाम लग गया। वहीं इस हादसे के दौरान घायल लोगों को आनन फानन में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सुबह में हुआ था लगभग 4 बजे करीब, इसमें जो है 5 आदमी घायल है, जो चोट वगैरह लगा हुआ है, और जो है ड्राइवर भी घायल हो गया है, सबको अस्पताल ले गया गया है दरभंगा PMCH। बाकी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और आगे चल के जो है चुरकुट्टा चौक है वहाँ भी शायद जो है 8-9 ट्रक का जो है हादसा हो गया है। अच्छा, कैसे कुछ हुआ, कुछ पता चला? ये पता चला जो है आगे एक ट्रक था, वो ट्रक वाला जो है किसी गाड़ी को और गाड़ी को बचाने के चक्कर में कभी ब्रेक ले लिया, उसी में जो है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। SKB मार्केट